नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मध्य प्रदेश के चुनाव में अब आरएसएस का मुद्दा गरमाया हुआ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर सरकारी दफ्तरों में संघ की शाखाएं बंद होगी। शिवराज सिंह चौहान जोश में आए और कहा शाखाएं ही नहीं चलेंगी, कर्मचारी भी शामिल होंगे। संघ की शाखाओं में शाखाएं भी लगेंगी, सरकारी परिसरों में भी लगेंगी और सरकारी कर्मचारी भी शाखाओं में जाएंगे, कोई बैन नहीं लगा सकता। तो मध्य प्रदेश के चुनावी अखाड़े में अब आरएसएस की शाखा का मुद्दा कूद पड़ा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने के बाद संघ का शाखा विवाद गहरा गया है। बीजेपी अपने हिसाब से इस मुद्दे को भुनाने की फिराक में है। तभी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छाती ठोक कर कह रहे हैं कि संघ की शाखाएं सरकारी कार्यालयों में भी लगेंगी और सरकारी कर्मचारी इसमें हिस्सा भी लेंगे। संघ की शाखाओं में शाखाएं भी लगेंगी, सरकारी परिसरों में भी लगेंगी और सरकारी कर्मचारी भी शाखाओं में जाएंगे, कोई बैन नहीं लगा। मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से बीजेपी सरकार है। मध्य प्रदेश को बीजेपी का गढ़ बनाने में पर्दे के पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में संघ की अच्छी खासी धमक है। यहाँ तक कि सरकारी प्रतिष्ठानों, स्कूलों में संघ की शाखाएं चलती हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसी को बहाना बनाया था। मैनिफेस्टो में वादा किया कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो सरकारी प्रतिष्ठानों में आरएसएस की शाखाओं पर वो पाबंदी लगा देगी। बीजेपी ने इस मुद्दे की बात को पतंगड़ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने इसे संघ की शाखाओं पर नहीं, संघ पर पाबंदी की साजिश बताई। जबकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ इस विवाद पर उठी आग की लपटों पर पानी डालने की कोशिश करते नजर आए। कांग्रेस ने रोक लगाने की बात कही है, पता नहीं किस दम और अहंकार में कांग्रेस भरी हुई है। अरे संघ पर रोक दो, कोशिश नेहरू जी ने की थी लगाने की, नहीं लगा पाए, हटाना पड़ा। इंदिरा जी ने की थी, हटाना पड़ा। तो आज की कांग्रेस की तो बैसाखी क्या है। हमारा लक्ष्य ये है कि राजनीति को दूर रखा जाए, इन सब चीजों से हम राजनीति को दूर रखना चाहिए। आरएसएस राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है यह जनता फैसला कर ले, मुझे इसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस को पूरी छूट है शाखाएं लगाने का, केवल सरकारी शासकीय परिसरों में नहीं है, जो हर जगह हर प्रांत में जहां भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है यह नियम है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी प्रतिष्ठानों में संघ की शाखा चलाने पर पाबंदी लगाने की बात कही तो बीजेपी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, चुनावी मुद्दा बना लिया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि सरकारी प्रतिष्ठानों में सिर्फ शाखाएं ही नहीं चलेंगी, शाखाओं में सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे। अब शिवराज के बयान पर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने शिवराज के बयान को संविधान विरोधी बताया। संविधान के साथ वो खेल रहे हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं रह सकते, वो जानते हुए भी जो है वो संविधान की मर्यादा का भंग करने के लिए तुले हुए हैं और आज इसीलिए ये प्रकार के बयान करते हैं। अभी ये बवाल चल ही रहा था कि कांग्रेस के रीवा के विधायक सुंदरलाल तिवारी ने आग में और घी डाल दिया। तिवारी ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन बता दिया। ये ऐसा संगठन है जिसने इस देश में गांधी की हत्या किया है, ये ऐसा संगठन है जो राज्य के साथ साथ पूरे देश में घृणा का वातावरण निर्मित करता है और सामाजिक घृणा नफरत धर्म के आधार पर फैलाते हैं। ये लोग इनके शाखाओं में हिंदुस्तान इस देश का झंडा कभी नहीं गड़ा। और ये सब आतंकवाद के प्रतीक है। मध्य
मध्य प्रदेश में कांग्रेस और संघ की रार बहुत पुरानी है। दिग्विजय सिंह सरकार ने साल 2000 में सरकारी प्रतिष्ठानों में आरएसएस की शाखाओं पर पाबंदी लगा दी थी। साल 2003 में सरकारी कर्मचारियों को संघ से जुड़ने पर चेतावनी भी दी थी, लेकिन शिवराज सरकार आने के बाद संघ के अच्छे दिन आ गए। सिर्फ मध्य प्रदेश में आरएसएस के स्वयं सेवकों की तादाद 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है। रविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। संघ और कांग्रेस का ये झगड़ा पुराना है। दरअसल साल 2000 में दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री के तौर पर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद से ही शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आए, संघ की शाखाएं वापस आईं, संघ का फैलाव बढ़ता चला गया। यही बात कांग्रेस को खटकती है। And it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood. कांग्रेस को पता है कि बीजेपी की असली ताकत आरएसएस में छिपी है, लिहाजा कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ संघ भी रहता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तो आरएसएस पर हमला बोलने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते। देश में हो या विदेश में, राहुल आरएसएस पर अटैक करते रहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी कि फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा फर्क है। आरएसएस में महिलाओं को अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है। आरएसएस की फिलॉसफी में उनके संगठन में महिला घुस भी नहीं सकती, महिला सेकंड क्लास सिटीजन होती है। जरूर वो बातें करते हैं, बट उनके संगठन में आपको एक महिला नहीं दिखाई देगी। राहुल गांधी कभी आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर देते हैं तो कभी आरएसएस की नीतियों को देश के लिए घातक बता देते हैं। आज हिंदुस्तान में जो सरकार है दूसरे तरीके से काम करती है। हमारा कंपटीशन चाइना से है, या रोजगार उधर जाएगा या फिर हिंदुस्तान आएगा, और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे ही देश को बांटने में लगे हुए, हमारे ही देश में नफरत फैलाते हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में कांग्रेस ने अगर सरकारी प्रतिष्ठानों में आरएसएस की शाखाओं पर पाबंदी की बात अपने मैनिफेस्टो में रखी है तो उसकी भी वजह है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में संघ की पैठ का अंदाजा है, यही वजह है कि कांग्रेस की निगाह में आरएसएस खटकता है। ये भारतीय जनता पार्टी संघ कहते हैं जाग जाओ, चेत जाओ, सनातन हिंदू धर्म खतरे में है। अरे मेरे भाइयों, 550 साल तक मुगलों का, मुसलमानों का शासन रहा, तब हमारा धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा। ये सनातन धर्म कोई ऐसा वैसा धर्म है? अरे 150 साल अंग्रेजों का, ईसाइयों का राज रहा, तब कुछ नहीं बिगड़ा। अब तो प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, फिर खतरा हमारा मोहन भागवत को खतरा क्यों लगता है हिंदू धर्म का? और मोहन भागवत सनातन धर्मी नहीं है, आज वो खुद आर्य समाजी हैं, वो हमारे धर्म के बारे में क्या बात करेंगे? मध्य प्रदेश में शहर शहर संघ की शाखा लगती है। हर सुबह हर शाम खुले मैदान में संघ की शाखाओं में व्यायाम, खेल, सूर्य नमस्कार, परेड, गीत और प्रार्थनाएं होती हैं। अब कांग्रेस ने इन शाखाओं पर सवाल उठाया है तो बीजेपी इसे चुनाव में भुनाने का मौका छोड़ना नहीं चाहती। भोपाल में रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो संघ के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, एक दूसरे का बैंड बजाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं दूसरे बैंड की तरफ, बैंड बाजा बारात। जी हाँ, बॉलीवुड की सबसे चुनिंदा जोड़ी, सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं सफलता के लिहाज से मशहूर एक्टर्स, दीपिका और रणवीर सिंह की शादी। चौदह नवंबर को बॉलीवुड के बाजीराव को मस्तानी हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इटली के लेक कोमो में दीपिका और रणवीर शादी करने जा रहे हैं। 14 और 15 नवंबर को शादी है, 13 को संगीत है, 14 को शादी। दोनों साइड से शादी होगी, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन, या साउथ और नॉर्थ का कनेक्शन है, कन्नड़ साइड से भी और सिंधी पंजाबी साइड से भी। रणवीर और दीपिका को हमारी शुभकामनाएं तो हैं ही आज तक और इंडिया टुडे की तरफ से, लेकिन अभी आपको अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। अच्छा, हम विराट अनुष्का की शादी भी कवर करना गए थे, लेकिन कंपैरिजन अगर करें
कितना अलग है। ललित जोशी जो मेरे कैमरा पर्सन है उन्होंने वो शूट भी करा था और यहाँ पे भी शूट कर रहे हैं। ललित से भी पूछूंगा, ललित कितना अलग है वो। एक जगह थी जहां पे ऐसा लग रहा था कि छुप छुपा के करने के लिए एक जगह चूज कर ली गई थी। ये एक जगह है कि आलीशान वेडिंग जिसको बोलते हैं, कि धूम धड़ाके से दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल ब्रेथ टेकिंग जगह पर शादी होगी। और आप देखेंगे जैसे ये लोग लेक कोमो के हम अराउंड जा रहे हैं, अब घूमते ही सीधा विला पाल्बियानेलो पे जाएंगे। ये प्राइवेट बोट से जाना पड़ता है, कोई भी और रास्ता नहीं है इस विला तक पहुंचने का। और हम अभी पहुंचे हैं मिलान, मिलान से सीधा हमने गाड़ी करी, टैक्सी करी और पहुंच गए विला देखने के लिए। आज तक भीटली पहुंचा है और दीपिका रणबीर की शादी की एक एक तस्वीर आपके लिए हम सीधे इटली से ला रहे हैं। ये शादी इटली के लेक कोमो की बेहद खूबसूरत विला डेल बाल्बियानेलो में हो रही है। हम आपको इस विला के अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे तो ये भी बताएंगे कि लेक कोमो क्यों मशहूर है, अब तक यहाँ कौन कौन शादी कर चुके हैं। देखिए अद्भुत नजारा है पहाड़ों का, पहाड़ों के बीच में लेक कोमो। आपको याद होगा ईशा अंबानी की भी शादी अभी यहीं पर संपन्न हुई थी। I mean, जॉर्ज क्लूनी से लेकर मैडोना से लेकर स्टार वॉर्स यहाँ पर सेम विला में शूट हुई है। जहां पे भी आप देख ले हमें फ्रेमिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ललित का काम आसान हो जाता है मेरे कैमरा पर्सन का, कि फ्रेम का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहां पे भी कैमरा घुमा देंगे बढ़िया फ्रेम ही मिलेगा और बेहतरीन फ्रेम ही मिलेगा। 6 साल के रिश्ते के बाद दीपिका और रणबीर शादी करने जा रहे हैं। दोनों ने शादी के लिए इटली के लेक कोमो को चुना है। शादी में सिर्फ घर के लोगों के शामिल होने की खबर है। रणबीर दीपिका जिस आलिशान रिसोर्ट विला डेल बाल्बियानेलो में शादी कर रहे हैं उसमें 75 रूम है। इसमें 4 रेस्टोरेंट और बार शामिल हैं। एक कमरे का किराया 400 यूरो यानी 33,000 रुपए है। इस हिसाब से 75 रूम के एक दिन की कीमत 24,75,000 रुपए अदा कर रहे हैं। इस हिसाब से दोनों 75 रूम के एक दिन की कीमत 24,75,000 रुपए अदा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर दीपिका ने इस रिसोर्ट को एक हफ्ते के लिए बुक किया है। बड़े बड़े बिलियनर मिलियनर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, क्योंकि इससे अद्भुत दृश्य आपको मिलेगा नहीं। लेक कोमो वैसे भी बोला जाता है कि दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल लेक्स में से, झीलों में से एक है। और ये हम आए विला बाल्बियानेलो। यहाँ पर पूरे लेक पर ये भी बता दूँ काफ़ी सारे विलाज हैं, 1, 2, 3, 4 ब्यूटीफुल हैं। लेकिन ये वाला जो है वो म्यूजियम भी है और ये विला जो है उसमें रूम्स भी हैं, तो ये होस्ट करेगा पूरी की पूरी वेडिंग। ये देखिए क्या दृश्य है। शुरू में आते ही ये जो सीढ़ी है इससे हम ऊपर जाएंगे, जो टेबल लगाएंगे, जो दस्तरखान सब सजाएंगे, वो सारे लोग जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। आज से काम शुरू हो रहा है। आपको पता है 14 और 15 नवंबर को शादी है, 13 को संगीत है, 14 को शादी। दोनों साइड से शादी होगी, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन। दीपिका रणबीर का वेडिंग वेन्यू विला डेल बाल्बियानेलो फूलों से सज चुका है। खबर है कि रणबीर 14 सीटर सी प्लेन से शादी में ग्रैंड एंट्री करेंगे। इसके अलावा दावत की जिम्मेदारी संभालने के लिए स्विट्जरलैंड से शिफ्ट पहुंचेंगे। दीपिका पादुकोण रणबीर सिंह की शादी में प्लेबैक सिंगर हरदीप कौर परफॉर्म करने जा रही हैं। आज दीपिका रणबीर की संगीत सेरेमनी है जिसकी महफिल सज चुकी है। रिश्तेदारों से लेकर यार दोस्त संगीत सेरेमनी में शामिल होने पहुंच चुके हैं। इटली में शादी के बाद 28 नवंबर को मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन है जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे शिरकत करेंगे। सुशांत मेहता, इटली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।